हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित परियार। स्वागत करता हूँ आपका सिविल गोली कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने पढ़ लिया टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन कहते किसे हैं। आज हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपको सॉयल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम व्यापम सब इंजीनियर 2022 के लिए यहाँ इरिगेशन इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं, जो कि MBPSCAE में भी पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं सॉयल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप से। सॉयल मॉइस्चर आप शब्द ही बता रहा है, सॉयल मॉइस्चर क्या है? वाटर हेल्ड इन दी वॉइड्स ऑफ सॉइल अबव दी वॉटर टेबल इज कॉल्ड एज सॉइल मॉइस्चर। मतलब जो वॉटर टेबल से नीचे आपका वॉटर है सॉइल में, उसे हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी से एक और नाम से जाना जाता है। अच्छा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो देखिए, इट्स मेनली डिपेंड्स अपॉन पोरोसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि पोरोसिटी ऑफ, जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो पोरोसिटी ऑफ सॉइल ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं साइज ऑफ वॉइड्स पे भी डिपेंड करेगा। तो साइज ऑफ वॉइड्स दो टाइप के रहते हैं सॉइल में, एक तो रहते हैं कैपिलरी वॉइड्स और दूसरे रहते हैं नॉन कैपिलरी वॉइड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैपिलरी वॉइड्स में। देखिए क्या है, ये स्मॉल वॉइड्स रहते हैं, इन्हें स्मॉल वॉइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? दे होल्ड वाटर ड्यू टू कैपिलैरिटी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड ऑफ अंडर ग्रेविटी। ये क्या करती है, जो कैपिलरी वॉइड्स है वाटर को होल्ड करके रखते हैं ये, किसके कारण? कैपिलेरिटी के कारण। और ये प्रिवेंट भी करेंगे वाटर को किसके, मतलब ग्रेविटी के थ्रू, इसमें से वाटर ड्रेन ना हो जाए, निकल ना जाए, तो ये प्रिवेंट भी करते हैं वाटर को, कैपिलेरी वॉइड्स जो है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इंड्यूसेस ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब ये एक प्रकार से बात करें हम, इंड्यूस करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा रहती है, ये पानी को ज्यादा मतलब क्वांटिटी में रोक के रखते हैं। कौन? कैपिलरी वॉइड्स। इसमें एग्जांपल क्या आता है, आप जानते हो क्ले, क्ले में बहुत स्मॉल वॉइड्स रहते हैं, तो उसमें कैपिलरी वॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं। आगे आता है अब साइज ऑफ वॉइड्स में ही, नॉन कैपिलरी वॉइड्स ये लार्ज वॉइड्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे डोंट होल्ड वाटर टाइटली, हेंस लार्ज पार्ट ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ अंडर ग्रेविटी। मतलब इनमें वो कैपेसिटी नहीं रहती, इनमें ये वो कैपेबल नहीं है कि वाटर को होल्ड करके रख पाए अपने अंदर ये वॉइड्स, तो इनका जो वाटर है इनमें आएगा और अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के थ्रू इनमें से पास हो जाएगा वाटर। ठीक है दोस्तों, इट इंड्यूसेस वेटर ड्रेनेज, और ये वेटर ड्रेनेज करवा देते हैं वाटर को अपने आप में से। एग्जाम्पल क्या आता है इसमें? एग्जाम्पल आता है सैंड का। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटी वाटर। अब आते हैं सॉयल वाटर, कितने टाइप के रहते हैं? तीन टाइप के सॉयल वाटर हैं आपके, ग्रेविटी वाटर, कैपिलेरिटी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बात करते हैं ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर क्या है? बारिश का पानी आया सॉयल में एंटर किया आपका ग्राउंड वाटर में, वाटर टेबल के थ्रू ग्राउंड वाटर में, तो क्या हुआ है, ये सॉइल है जो केवल 1 से 3 दिन ही ये होल्ड कर पाती है वाटर को, किसको? ग्रेविटी वाटर को। अच्छा, ग्रेविटी वाटर क्या करेगा? ग्रेविटी वाटर आपके सॉइल में यदि है तो ये एयर सर्कुलेशन नहीं करने देगा आपकी सॉइल में से, जिसके कारण ये क्रॉप के लिए हार्मफुल रहेगा, ग्रेविटी वाटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैपिलरी, और नेक्स्ट आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर कैसे कहते हैं? जिसे प्लांट एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं अपनी ग्रो करने के लिए,
जिसे प्लांट एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, क्रॉप ग्रो हो जाए जिससे, उसे कह रहे हैं हम कैपिलरी वाटर। ठीक है दोस्तों, और ये बात कैपिलरी वाटर में हमने बात कर ली कि प्लांट की ग्रो के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ग्रेविटी वाटर ड्रेन ऑफ हो जाता है, मतलब सॉइल में से पास हो जाता है, उसके बाद जो वाटर बचता है उसे ही कहते हैं हम कैपिलरी वाटर। सेकंड पॉइंट है इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर आता है नेक्स्ट। हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे कहते हैं? जब सॉइल का पार्टिकल्स एटमोस्फियर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो सॉइल पार्टिकल है ये वाटर को, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, इस तरह से टाइटली पकड़े रहते हैं कि इनके इनमें से जो रूट हैं, प्लांट की रूट हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का यूज नहीं कर पाती हैं। अब बात आती है कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट की ग्रो करवाने के लिए वाटर रहेगा उसे हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। तो क्वेश्चन पूछा गया है ये कैपिलरी वाटर, मतलब जो प्लांट की ग्रो करवाने के लिए जो कौन सा वाटर है, तो हम कहेंगे कैपिलरी वाटर। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर वाटर टेबल तक रहता है, ये सबसे पहले आता है आपका, ये टॉप लेयर है सॉइल की, ये टॉप लेयर है सॉइल की। अच्छा, टॉप लेयर से नीचे यहां तक, जहां से इंटरमीडिएट जोन स्टार्ट होता है वहां तक सॉइल जोन, या हम कहते हैं रूट जोन, जो प्लांट की रूट यहां तक आती है उसे हम कहते हैं रूट जोन। देन रूट जोन के बाद में आता है इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन के देन बाद में आता है कैपिलरी जोन। अच्छा, जहां से सॉइल की लेयर है और जहां तक वाटर टेबल है वहीं तक तो हम कह रहे हैं सॉइल मॉइस्चर। देखिए, अबव दी वाटर टेबल, अबव दी वाटर टेबल उसे ही तो हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। देन वाटर टेबल से नीचे आपको ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, ग्राउंड वाटर से नीचे आपको इम्पर्वियस स्ट्रेटा देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स जरूर हमें सजेस्ट करें। मेरा नाम है अमित, थैंक यू सो मच।